वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर टू पॉलिनोमियल। आप लोगों के कई सारे डाउट्स होंगे पॉलिनोमियल में, जो आप लोग खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे या किसी के समझाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे। पर अब मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा वो आपके पास फटाफट आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.1 तो हम अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ही चुके थे इस चैप्टर की। अब हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, फॉर ऑल द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, x प्लस 2x माइनस 4। अब हम इंडिविजुअली इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 4। तो इसी के साथ हमारे पास दो जीरोज आ गए हैं। अब हमें एक को हम अल्फा बोल सकते हैं और दूसरे को हम बीटा बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हमें क्या पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब इधर माइनस बी क्या है, माइनस, और बी क्या है हमारा माइनस 2, और ए क्या है हमारा 1, तो आ गया हमारा 2। अब अल्फा और बीटा को हम ऐड करते हैं, माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, हमें पता है सी क्या है इधर माइनस 8 और ए क्या है 1, तो इधर क्या आ गया माइनस 8। अब इन दो अगर अल्फा और बीटा जो हमारी वैल्यूज निकली हम उनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस 8 आता है। सो लाइक दिस यू कैन से हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसी ही आप सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 4x² - 4s²4s² - 4s + 1। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, पहले 4s² - 2s - 2s + 1। 2s बाहर आ जाएगा, 2s - 1, माइनस कॉमन लिया 2s - 1, 2s - 1 एंड 2s - 1। तो अब हम दोनों को इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करेंगे, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू हाफ, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू हाफ। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एक को हम अल्फा बोल सकते हैं और एक को हम बीटा बोल सकते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी माइनस 4 अपॉन ए है 4, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब जो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है उन्हें हम ऐड कर देते हैं, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। हमें पता है सी क्या है इधर 1 और ए क्या है 4। अब हमारे पास जो वैल्यूज आई थी अल्फा और बीटा की हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। हेंस